नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आ चुका है Vivo का Y18 मोबाइल फोन, जिसकी प्राइसिंग मात्र 8000 रुपए से स्टार्ट होती है और ये Vivo के लो बजट सेगमेंट में सबसे बेहतरीन मोबाइल फोन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको 4/64 और 4/128 वाले वेरिएंट मिलने वाले हैं। साथ इसका जो डिस्प्ले होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 840 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलने वाली है, जो कि इस बजट में लगभग किसी भी कंपनी के मोबाइल फोन में नहीं मिलती है। देखा जाए तो इस बजट में सबसे बेहतरीन और बहुत शानदार मोबाइल फोन होने वाला है। बिल्ड क्वालिटी से लेकर हर चीज में परफेक्ट हो सकती है। साथ इसमें कैमरा सेटअप जो मिलता है वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो एक और बेहतरीन चीज इस बजट में आपको मिलने वाली है। चलिए देर ना करते हैं, फटाफट इस वीडियो की अनबॉक्सिंग करते हैं और आप सभी इसकी सारी जानकारी देते हैं, बॉक्स कंटेंट से लेकर सारी चीजों के बारे में। तो चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा Vivo Y18 मोबाइल फोन का, और जैसा कि आप सभी को दिखा दूं मैं, ये भी एक मिठाई के डब्बे के समान बॉक्स आया है। मींस इसमें भी कुछ ना कुछ अब मिसिंग होना शुरू हो चुका है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉक्स को देख लेते हैं। जैसे कि फ्रंट साइड में देख सकते हो Vivo Y18 की ब्रांडिंग की है। लेफ्ट हैंड साइड आपको प्लेन मिलेगा, इसमें ऊपर आपको Vivo की ब्रांडिंग। सेम राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हो Vivo की ब्रांडिंग मिलेगी और नीचे में कुछ बेसिक डिटेल मिल जाती है, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर, कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा अगर बैक साइड में भी देखते हो तो बैक साइड में भी कुछ बेसिक डिटेल मिल जाती है, लेग रैम, रोम, प्रोसेसर और इसके अंदर बॉक्स कंटेंट में क्या मिलने वाले, जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा टॉप एंड साइड में आप देखोगे तो इसमें आपको उसमें कलर मिल जाएगा, इसमें आपको कौन सा कलर दिया गया है और आपको वेरियंट की डिटेल मिल जाएगी। हमारे 4GB RAM 128GB इंटरनल, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉक्स अच्छा दिया गया, स्लिम कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ अभी मिसिंग होने वाला है। तो चलिए फटाफट मोबाइल फोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट ऑल इसके बॉक्स कंटेंट में आप क्या क्या मिलने वाले और क्या चीज़ इसमें मिसिंग हुई। तो चलिए फटाफट इसके अनबॉक्सिंग करके इसके आगे की जानकारी देखते हैं। तो गाइस, हमारा मोबाइल फोन का बॉक्स ओपन हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सामने में से मोबाइल फोन मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे देखोगे तो इसके अंदर आपको एक IMEI नंबर का स्टिकर्स, कुछ मैनुअल बुक्स और वारंटी कार्ड, उसके अलावा चार्जिंग केबल टाइप A to C और एक सिम इजेक्टर टूल। सो दैट्स इट, बॉक्स कंटेंट में इतना ही, मतलब चार्जिंग अडेप्टर अब इसमें से भी माइनस हो चुका है। मतलब देखा जाए तो अब मोबाइल फोन में चार्जिंग अडेप्टर ना देने का एक तो रूल ही बन चुका है लाइक, तो अब इन सब में चार्जिंग अडेप्टर हटा दिया गया है। तो चलिए अब इसके बाद हम मोबाइल फोन के फर्स्ट लुक को देखते हैं और इसका लुक और डिजाइन किस तरह दिया गया है ये पता करते हैं। सो गाइस, रेडी जो है हमारे मोबाइल फोन के फर्स्ट लुक के लिए, और ये रहा हमारे मोबाइल फोन का फर्स्ट लुक। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये स्पेस ब्लैक कलर दिया गया और डिजाइन बहुत ही सिंपल है और Vivo के पुराने मॉडल्स में सेम ऐसा डिजाइन आ चुका है। वहीं अगर बॉडी की बात करें तो ये प्लास्टिक बॉडी में आपको मिलने वाला है। कलर बहुत ही शानदार दिया गया है, आपको थोड़ा सा ग्रीनिश शेड आपको मिल सकता है इसमें से, लाइट में डालते हो थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का हल्का शेड आता है, तो दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है मोबाइल फोन। मैं अगर साइड बाय साइड भी देखूंगी तो प्लास्टिक फ्रेम में मोबाइल फोन आता है। मैं अगर बटन और पोर्ट्स की बात करूँ तो राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन के और ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। ऑन ऑफ स्विच में फिंगरप्रिंट सेंसर अटैच मिलेगा। नीचे साइड में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक, चार्जिंग कनेक्टर और माइक मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिलेगा और जो स्पीकर दिया गया है वो आपको टॉप एंड साइड में मिलता है, तो स्पीकर इसमें आपको टॉप साइड में दिया गया है। तो चलिए इसके अलावा हम सिम ट्रे निकाल के चेक कर लेते हैं कि इसका सिम ट्रे किस तरह आपको मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये आपको एक नॉर्मल सिम स्लॉट मिलती है जिसमें आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। मीन्स आप इसमें 1 TB तक मेमोरी एक्सपेंड कर पाओगे, जो एक अच्छा ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है। मतलब देखा जाए तो अभी तक तो ठीक ठाक आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ओवरऑल डिज़ाइन तो आपको बहुत शानदार मिलेगा, एक प्रीमियम मोबाइल के समान डिज़ाइन मिलता है। इसमें आप 15,000 से 20,000 की रेंज में भी इसी टाइप डिज़ाइन में मोबाइल मिलते हैं, तो डिज़ाइन तो बहुत अच्छा मिलता है। इसका कैमरा सेटअप भी डिज़ाइन का अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार दिया गया है। तो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में तो मोबाइल फोन बहुत बेस्ट मिलता है। तो चलिए फटाफट मोबाइल फोन को स्टार्ट करके देखते हैं कि इसके आगे इसके अंदर हमारे को क्या क्या मिल सकता है, कि डिस्प्ले, रैम, रोम, प्रोसेसर जैसी चीज़ों में क्या क्या मिलेगा। तो चलिए फटाफट मोबाइल फोन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल फोन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले आपको मिलने वाला है, एक यूनॉच डिस्प्ले मिलता है जो कि 6.56 इंचेस का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसके स्क्रीन रेफ्रिजरेट की बात करो तो आपको 90Hz का मिलने वाला है। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ 90Hz का स्क्रीन रेफ्रिजरेट मिलता है, जो देखा जाए तो अच्छा है, बजट सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा दिया गया है। मैं अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो इसमें आपको 840 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि इस सेगमेंट में लगभग सबसे ज़्यादा दी गई है, क्योंकि इस सेगमेंट में इतनी ब्राइटनेस बहुत कम ही मोबाइल फोन में मिलती है आपको। तो ब्राइटनेस के मामले में देखा जाए तो बहुत शानदार मोबाइल फोन दिया गया है। मतलब ओवरऑल डिस्प्ले देखोगे तो बजट के हिसाब से बहुत सही मिलने वाला है आपको। मगर इसमें परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये फन टच ओएस के लेटेस्ट वर्जन 14 पे मिलने वाला है, जिसमें आपको 4GB RAM और 4GB RAM+ करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब आपको 8GB के करीब करीब रैम मिलने वाली है। वहीं इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 दिया गया है और इसमें इंटरनल मेमोरी आपको 128GB करीब करीब मिलती है।
वहीं अगर इसमें प्रोसेसर की बात करूँ तो मीडियाटेक का हीलियो G85 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि 12 की चिपसेट पे बेस्ड है। साथ ही इसका जो इंटूटू स्कोर है वो आपको 2,65,000 के करीब करीब मिलेगा। तो देखा जाए तो इसमें प्रोसेसर ठीक ठाक आपको मिल जाता है, कोई तकलीफ नहीं है। जी सीरीज का प्रोसेसर तो आपको गेमिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा प्रोसेसर मिल सकता है इसमें। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो मोबाइल फोन बजट के हिसाब से एक अच्छी चीज़ देगी, फंक्शन से लेकर सब चीज़ अच्छी मिल जाती। रैम अगर इसमें आपको 6 GB वाला वेरियंट भी मिलता तो बेटर होता, पर इसमें आपको 2 ही वेरियंट मिलने वाला है जिसमें 4GB 64 और 4 128, ऐसे 2 वेरियंट ही मिलेंगे। तो आपको रैम तो 4 GB मिलने वाली, पर इंटरनल में आप चॉइस कर सकते हो जिसमें आपको 64 GB और 128 GB वाले वेरियंट ले सकते हो। वहीं अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, साइड माउंट में फेस लॉक, न्यूमेरिकल लॉक, साइड पैटर्न जैसे सारे फंक्शन इसमें मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर हम आपको लगा के दिखा देते हैं। नॉर्मली अगर बात की जाए तो फिंगरप्रिंट सेंसर क्वालिटी वाइज तो लगभग अभी सभी मोबाइल फोन में बहुत अच्छे आने लगे हैं, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह ये होने वाला है। चलिए फटाफट हम इसको लगा के दिखाते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छा काम करता है, कोई तकलीफ है नहीं मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर में। तो देखा है तो क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक जैसी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अभी के सभी मोबाइल फोन लगभग फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत तगड़े तरीके से दिए गए। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी अच्छा मिलता है, डिस्प्ले, रैम, रोम, प्रोसेसर जैसी चीज़ अब तक ठीक ठाक आपको मिल जाती है। अब वहीं अगर इसमें कैमरे की बात करूँ तो इसमें आपको बैक साइड में 50 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है जिसमें 50 MP का मेन कैमरा दिया गया है, और फ्रंट साइड में अगर आप बात करो तो फ्रंट साइड में आपको सिर्फ 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो देखा जाए तो कैमरा तो आपको ठीक ठाक मिलने वाला है इसमें। वहीं अगर कैमरे में फंक्शंस की बात करूँ तो कैमरे में फंक्शन भी बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि देख सकते हो आप नाइट, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, और मोर में जाओगे तो आपको 50 MP पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइमलेस, प्रो और लाइव फोटो जैसे अलग अलग फंक्शंस मिल जाते हैं, जो देखा जाए तो फोटोग्राफी के लिए आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। फोटोग्राफी में मतलब आपको अच्छे अच्छे फंक्शंस मिल जाते हैं जो कि आपके डेली यूज के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। वहीं आप इसमें फुल HD में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो एक अच्छा ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसमें फोटोज़ के लिए तो बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं, जिसके आप कुछ फोटोज़ हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने अपने स्क्रीन पर लगा के रखी हुई, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फोटो क्वालिटीज़ के लिए मोबाइल की बात करूँ तो बहुत अच्छी फोटोज़ मिल जाते हैं, और वीवोज के फ़ोन नॉर्मली कैमरे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप कोई भी फ़ोन इसका ले लीजिए, किसी भी सेगमेंट का फ़ोन लोगे तो आपको फोटोग्राफी के लिए कोई तकलीफ होने वाली है नहीं। तो देखा जाए तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ठीक ठाक मोबाइल फ़ोन आपको मिलता है, बजट सेगमेंट की बात करो तो बहुत अच्छे कैमरे के साथ आपको मिलने वाला है। वही गेमिंग की अगर बात करूँ तो इसमें आप गेमिंग कर सकते हो, पबजी, फ्री फायर जैसे गेम खेल सकते हो इसमें। जैसा कि आप सभी को बता दूँ इसमें आपको अल्ट्रा गेमिंग मोड करके ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको डू नॉट डिस्टर्ब हो गया, या फिर 4D वाइब्रेशन जैसी चीज़ों को यूज़ करके आप गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत इन्हांस कर सकते हो, जो एक अच्छा ऑप्शन इसमें मिलने वाला है। तो पबजी और फ्री फायर जैसे गेम आप इसमें खेल पाओगे, एक नॉर्मल क्वालिटी में खेल सकते हो, एक्सट्रीम हाई लेवल पर बोलोगे तो नहीं खेल सकते। बजट के हिसाब से देखोगे तो बजट के हिसाब से इसमें गेमिंग का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो बजट के हिसाब से एक अच्छा मोबाइल फोन दिया गया है। वहीं अगर इसमें बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, मतलब आपको बैटरी बैकअप भी अच्छी मिलने वाली, तो गेमिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। ओवरऑल आपके यूजेस के हिसाब से भी अच्छा है, अगर घर वालों के लिए लेते हो कम बजट में एक अच्छा मोबाइल फोन तो उसके लिए भी बेस्ट मोबाइल फोन दिया गया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो गेमिंग हो गया या फिर अभी तक के जितने भी फंक्शंस में मिलते हैं हर चीज़ में ये मोबाइल फोन एक से बढ़कर एक फीचर्स के साथ आता है। अब इसके अलावा इसमें और फंक्शन की बात करूँ तो जैसे इसमें आपको वॉल्यूम का जो नॉर्मल है 100% वॉल्यूम रहती है, बट इसमें आप 150% तक कर सकते हो, जो एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो 150% हो गया, जिससे कि आपकी जो डेली यूजेस है या फिर मूवीज़ देखने या फिर गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप वॉल्यूम एक्स्ट्रा लेवल तक थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है इसमें। इसके अलावा ये आपको IP54 रेटिंग के साथ हो जाता है मोबाइल फोन, जिसमें आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मोबाइल फोन जाता है कुछ लेवल तक। वहीं इसमें आपको एंटी स्क्रैच वाली बॉडी मिलती है, जहाँ जैसे आपकी बैक साइड का जो पैनल है इसमें आप स्क्रैचेस जल्दी आपको नहीं पड़ेगा, जैसे नॉर्मली आप कोई भी मोबाइल फोन लेते हो तो स्क्रैचेस बहुत आसानी से पड़ जाते हैं, पर इसमें आपको स्क्रैचेस पड़ने के चांस कम है। जैसे आप सभी देख सकते हो इसमें आपको स्क्रैचेस नहीं पड़ते, आप मैं लगा के दिखा रहा हूँ, स्क्रैचेस ना के बराबर आ रहे, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। तो ये स्क्रैचलेस मोबाइल है, मतलब ऐसा नहीं कि फुली स्क्रैचलेस मिलेगा आपको, बट आपको जो बेसिक लेवल पे आपका कवर लगाते हो या फिर नॉर्मली यूज़ करते हो तो स्क्रैचेस पड़ते हो, इसमें आपको नहीं मिलेंगे। ये भी एक अच्छा फीचर इसमें आपको मिलने वाला है। अब इसके अलावा देखेंगे तो इस सब में बहुत सी अच्छी अच्छी फीचर दी गई है। अब इसकी प्राइसिंग कितनी होगी, आपको लग रहा होगा प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट नहीं, इसकी प्राइसिंग 10,000 के अंदर आती है, जिसमें आपको 4 64 वाला वेरियंट 9,000 और 4 128 वाला वेरियंट आपको 10,000 के रेंज में मिलता है, जिसमें अगर जल्दी बैंक ऑफर या फिर बाकी चीज़ों के आपसे मोबाइल फोन
सस्ते हो सकते हैं, 1000 के करीब नॉर्मली सस्ते हो जाते हैं मोबाइल फोन। तो देखा जाए तो मोबाइल फोन बजट के हिसाब से बहुत अच्छे फीचर्स और फंक्शंस के साथ आता है, जो आपके डेली यूजेस के लिए मोबाइल फोन को बेस्ट बनाने वाला है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होने वाला है। और वीवो के फोन नॉर्मली अभी 10 से 12 हज़ार के रेंज के ऊपर ही होते थे, तो ये अंडर 10,000 वीवो ने बहुत अच्छा मोबाइल फोन निकाला है, बजट फ्रेंडली मोबाइल फोन है और नॉर्मल लोगों के लिए आसानी से परचेस करने लायक मोबाइल फोन बनाया है। तो ओवरऑल बात करूँ तो मोबाइल फोन आपके लिए बेस्ट है, आप इसे आसानी से परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। सो दैट्स इट, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।